तो बहुत दिनों बाद हम इस वीडियो के फॉर्म में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। आप लोगों का सवाल था कि एग्जामिनेशंस कब होंगे CUET के। तो जैसे कि आप लोगों के फॉर्म्स वगैरह फिलअप होने में भी डेट एक्सटेंड हुई थी, और PG कोर्सेज रिलेटेड भी फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड हो रही है 4th of July तक में भी। और इसके साथ ही साथ आप लोगों के UG कोर्सेज से रिलेटेड जो करेक्शन विंडो थी उसकी भी डेट एक्सटेंड की गई थी। और सेकेंड वीक में आपके नीट एग्जामिनेशंस हैं, और लास्ट ऑफ द जुलाई में आपके JEE के एग्जामिनेशंस हैं। जो दो इतने बड़े एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट हो रहे हैं, और CUET जो कि फर्स्ट टाइम एवर कंडक्ट होने वाला है इतने बड़े पैमाने पे, इसका एग्जामिनेशन आप जुलाई में किस तरीके से एडजस्ट करने वाले हैं? NTA की तरफ से ये नोटिफिकेशन थी कि वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आपके CUET UG कोर्सेज के एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है। आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन August 1st या सेकेंड वीक में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बट बेटर देन दैट, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करिएगा, लैग मत कहीं से करिएगा, और किसी भी फॉल्स रिपोर्ट पे भी ध्यान मत दीजिएगा जब तक कोई भी ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन डेट्स रिलीज नहीं हो जाती, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं आ जाती ऑफिशियली NTA की तरफ से। तो कोई भी डेट्स पे बिलीव मत करिएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी डेट्स आई नहीं है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में बस यही बताना चाहती हूँ कि आपके हाथ पे जो समय है ना, वो 20 से 25 दिन है प्रॉपर प्रिपरेशंस को, मतलब अच्छे से तगड़ा बनाने के लिए, कि आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से, अगर आपने लैग कहीं किया होगा तो बहुत अच्छे से आप 20 से 25 दिन में उसको बहुत अच्छी कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको BHINFOpedia चैनल की नोटिफिकेशंस या फिर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं। सारे को टाटा।